नमस्कार, गुड मॉर्निंग आर डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपसे बातचीत करेंगे टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन की प्रविधियों के बारे में। एक विधि होती है और एक प्रविधि होती है। विधि के बारे में हमने आपको बता दिया था कि कौन कौन सी मेथड्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए। इसी क्रम में एक प्रविधि जिसको कहते हैं टेक्निक्स, यानी विधियों के साथ प्रविधि का भी प्रयोग किया जाता है लागत ज्ञात करने और लागत को नियंत्रित करने के लिए। तो इनका महत्व भी बहुत ज़्यादा है कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो आपको विधियों के साथ प्रविधियों का भी पता होना चाहिए और ये ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो प्रबंध के निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों में प्रविधि का प्रयोग अधिक किया जाता है, ताकि आप लागतों पर नियंत्रण करके अपने लाभ को अधिकतम कर सकें। तो इसलिए इनके बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थी पूरा इसको ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि उनका जो टेस्ट होगा उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत लेखांकन की प्रविधियाँ। लागत ज्ञात करने की उपयोग के अतिरिक्त प्रबंधकों द्वारा लागत लेखांकन की प्रविधि भी लागत नियंत्रण करने तथा कुछ महत्वपूर्ण प्रबंध के निर्णय लेने हेतु प्रयोग में लाई जाती हैं। प्रबंध के निर्णय उनको लेने होते हैं और लागत को नियंत्रित, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। लागत ज्ञात करने की स्वतंत्र प्रविधियां नहीं है। लागत ज्ञात करने की प्रविधियां स्वतंत्र नहीं है, बल्कि मूल जो लागत प्रविधियां हैं वो लागत ज्ञात करने के विभिन्न विधियों में से ही किसी के भी साथ प्रबंधकों के द्वारा निर्णय लेने में प्रयोग या उपयोग की जा सकती हैं। प्रविधियां हैं वो विधियों के साथ ही उपयोग की जा सकती हैं। किसके द्वारा? प्रबंधकों द्वारा। वो स्वतंत्र नहीं है, दोनों जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में सबसे पहले जो मेथड है उसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक्स, प्रमाप लागत निर्धारण प्रविधि। प्रमाप लागत निर्धारण का संबंध लागत ज्ञात करने के समय से है, टाइम से है। इस प्रविधि के अंतर्गत किसी वस्तु का निर्माण होने से पूर्व ही उसकी लागत का प्रमाण निर्धारित कर दिया जाता है। प्रमाप क्या कर दिया जाता है? उसकी लागत का कोई वस्तु है उसका निर्माण होने से पूर्व ही उसका प्रमाप निर्धारित कर दिया जाता है। प्रमाप लागत किसी वस्तु का निर्माण होने से पूर्व है उसकी लागत का पूर्वानुमान होती है। अगर आप इस टेक्निक्स का यूज करेंगे तो इस टेक्निक्स में क्या है कि कोई भी वस्तु का निर्माण आपको करना है तो निर्माण करने से पूर्व ही उसकी स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए जाते हैं कि आपको इतना मटेरियल लगेगा, इतनी लेबर कॉस्ट लगेगी, इतना ओवरहेड लगेगा, यानी पहले से पूर्वानुमान है वो। जब वस्तु का निर्माण हो जाता है तो उस वस्तु की वास्तविक लागत ज्ञात कर ली जाती है। पहले प्रमाप निर्धारित कर दिया जाता है। प्रमाप निर्धारित करने के बाद जब वस्तु का निर्माण हो जाता है तब उस वस्तु की वास्तविक लागत ज्ञात कर ली जाती है। वस्तु की वास्तविक लागत उसकी प्रमाप लागत से कम या अधिक हो सकती है। प्रमाप जो स्टैंडर्ड आपने फिक्स किया है वो लागत वास्तविक लागत से या तो कम होगी या अधिक होगी। वास्तविक लागत और प्रमाप लागत में अंतर के कारणों का विश्लेषण किया जाता है, और यदि वास्तविक लागत अधिक है
तो उसे नियंत्रित करने के प्रयास किए जाते हैं। इस प्रकार परमाप लागत लेखांकन से आशय परमाप लागत को तैयार करना, उसकी वास्तविक लागतों से तुलना करना तथा अंतर के कारणों और बाहर के बिंदुओं का विश्लेषण करने से है। ये आपकी फर्स्ट टेक्निक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक्स, जिसमें परमाप पहले निर्धारित किया जाता है, वास्तविक लागत बाद में निर्धारित की जाती है, और इसमें लागतों को नियंत्रण करने के प्रयास किए जाते हैं और वास्तविक लागत की तुलना परमाप लागत से करके अंतर के कारणों और बाहरी बिंदु का विश्लेषण इसमें किया जाता है। इसी क्रम में जो सेकंड मेथड है उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक्स, सीमांत लागत निर्धारण प्रविधि। किसी वस्तु की सीमांत लागत ज्ञात करना तथा ये भी ज्ञात करना कि वस्तु के उत्पादन तथा बिक्री की मात्रा में परिवर्तन का लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसे हम सीमांत लागत लेखांकन कहते हैं। किसी भी वस्तु की वर्तमान जो उत्पादन मात्रा में एक इकाई की वृद्धि करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे उस वस्तु की सीमांत लागत कहते हैं। यानी एक इकाई बढ़ जाए और बढ़ने के कारण उसकी जो लागत में जो चेंज आता है, परिवर्तन आता है, उसको उस वस्तु की सीमांत लागत कहते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। माना किसी वस्तु की 100 इकाइयों की कुल जो लागत है वो 1000 रुपये है। अब 100 के स्थान पर हमने 1001 इकाइयों का निर्माण करने का निर्णय लिया और जिसकी लागत आई 1007 रुपये। तो 7 रुपये उस वस्तु की क्या है, सीमांत लागत है। यानी एक यूनिट बढ़ते ही 7 रुपये बढ़ गए। उत्पादन के समस्त खर्चों में से कुछ खर्चे वो है फिक्स्ड नेचर के होते हैं और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो उत्पादन के साथ बढ़ते और घटने के साथ घटते हैं, यानी वेरिएबल होते हैं। दूसरे स्वभाव वाले खर्चे परिवर्तनशील खर्चे कहलाते हैं। जो खर्चे उत्पादन के साथ बढ़ने पर बढ़ते हैं और घटने के साथ घटते हैं उनको कहते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। और वस्तु की सीमांत लागत में केवल परिवर्तनशील खर्चों का ध्यान रखा जाता है। सीमांत लागत प्रविधि में स्थिर लाभ हानि खाते को डेबिट किया जाता है, ना कि वस्तु की लागत को। सीमांत लागत प्रविधि में स्थिर लाभ हानि फिक्स्ड जो खर्चे हैं उसको हम लाभ हानि खाते के डेबिट किया जाते हैं, वस्तु की लागत में उसको शामिल नहीं करते हैं, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में इसको शामिल करते हैं। प्रत्यक्ष लागत लेखांकन डायरेक्ट कॉस्टिंग उत्पादन क्रियाओं तथा उत्पाद को की लागतों में केवल प्रत्यक्ष लागतों को शामिल करना और अप्रत्यक्ष लागतों को लाभ हानि खाते से अपलिखित करने के लिए छोड़ देना प्रत्यक्ष लागत लेखांकन कहलाता है। ये आपकी थर्ड टेक्निक्स है कि इसमें केवल डायरेक्ट जो कॉस्ट होती है उसको ही शामिल करते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट को इसमें शामिल नहीं कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। सीमांत लेखांकन से इस बात से भिन्न है कि कुछ स्थिर लागतों को भी उचित परिस्थितियों में प्रत्यक्ष लागत समझा जा सकता है। सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो इस बात से भिन्न है कि कुछ स्थिर लागतों को भी हम उचित परिस्थितियों में प्रत्यक्ष लागत इसको समझा जा सकता है, जबकि डायरेक्ट लागत लेखांकन में केवल डायरेक्ट जो कॉस्ट है उसको ही शामिल किया जाता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट को शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद में आता है अवशोषण लागत लेखांकन, अवशोषण कॉस्टिंग। यदि उत्पादन क्रियाओं तथा उत्पादकों की लागत में स्थिर और परिवर्तनशील खर्चों को शामिल कर लिया जाता है तो इसे अवशोषण लेखांकन कहते हैं। इसे संपूर्ण लेखांकन भी कहते हैं क्योंकि इस विधि के अंतर्गत संपूर्ण लागत उत्पादन को
चार्ज कर दिया जाता है, पूरी जो कॉस्ट है उसको चार्ज इसमें किया जाता है, तो इसलिए इसको संपूर्ण लेखांकन भी कहते हैं। यानी इसमें उत्पादन की जो क्रिया हैं, उत्पाद की जो लागत है जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों है, सब कॉस्टों को इसमें शामिल कर लिया जाता है और इस कॉस्ट को कहते हैं अवशोषण लेखांकन। इसे संपूर्ण लेखांकन भी कहते हैं क्योंकि इसमें सभी कॉस्टों को शामिल किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत संपूर्ण लागत उत्पादन को चार्ज कर दिया जाता है। और लास्ट जो है वो है समरूप लागत लेखांकन। किसी यदि उद्योग विशेष की विभिन्न संस्थाओं द्वारा एक ही प्रकार की लागत सिद्धांतों प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो इसे हम समरूप लागत लेखांकन कहते हैं। यदि किसी उद्योग है, कोई उद्योग है, उसमें विभिन्न विशेष प्रकार की संस्थाओं द्वारा एक ही प्रकार की लागत सिद्धांत को अपनाया जाता है तो इसे हम समरूप लागत लेखांकन कहते हैं। इस प्रविधि से पारस्परिक तुलना में सहायता मिलती है, इससे एक रूप लेखांकन लागत लेखांकन भी कहते हैं। समरूप लागत लेखांकन को हम एक रूप लागत लेखांकन भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक ही प्रकार की लागत सिद्धांत प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो इस प्रकार से जो मेथड्स हैं उनके साथ एक्निस भी यूज की जाती है कॉस्ट को नियंत्रण करने के लिए, प्रबंध के निर्णय डिसीजंस जो लेने के लिए, तो इस मेथड्स को टेक्निक्स को यूज किया जाता है ताकि हम लागतों पर नियंत्रण स्थापित कर सकें और वस्तु की जो लागत कम आएगी तो आपकी जो प्रॉफिट है वो आपका बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप वो व्यापार को बढ़ाने के लिए और उस प्रयास इसमें करेंगे। सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से इसको सुने और समझें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए ये होने वाला है। टेक्निक्स अगर आपको आती हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लागतों को नियंत्रण भी कर सकते हैं और लागतों पर कंट्रोल भी आप कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा ध्यान से इसको सुना और समझा। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।